आज है नेक्स्ट डे। मैंने कल ब्लॉग नहीं बनाया, कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि इतने मीन्स एक्चुअली ना मैं सिंगिंग को लेके बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी। अंकिता सो डेजू डेजू बुलाया सो मैं गाना गाने में बहुत बिजी हो गई थी, जो अब मैं फिर से होने वाली हूँ। আমার কি এখানে কোথাও হবে? ওই ইয়েলো ব্যাগটা কোথায়? চেক চেক দীপা করে ফেলি। এই ফেলি টাকা। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है नेक्स्ट डे, सो मामा को लेकर हम निकल पड़े। मामा को पोंडा हम ड्रॉप करेंगे, उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं सावड़े, क्योंकि दीदी के जो सासू माँ है उनका मेडिसिन हमारे पास रह गया है, वो हमें दीदी को जाके देना है। सो हमने ड्रॉप कर दिया है मामा को, अभी हम लोग जा रहे हैं कुरचरम की ओर। उससे पहले हम लोग पहले अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि सुबह 7 बजे से एक्चुअली देखा जाए तो 6 बजे हम लोग उठे, बट बिस्तर छोड़ते छोड़ते 7 बज गए एंड देन 8 बजे हम लोग निकले एंड अभी टाइम हुआ है ऑलमोस्ट 9:15। सो ब्रेकफास्ट फर्स्ट टाइम, उसके बाद कुछ अभी देखने हैं कहाँ पे ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। हमको
नॉर्मल रेस्टोरेंट मिला नहीं जहाँ पे हम भाजी पाव वगैरह खा सके। सो पेस्ट्री पैलेस आए एंड ये खा के, क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, बहुत ज़ोरों की। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज है नेक्स्ट डे, मीन्स पहली बार ऐसा मेरे ब्लॉग में हुआ कि सैटरडे का टुकड़ों में थोड़ा सा यू नो मैंने शूट किया, संडे को थोड़ा सा, देन मंडे को थोड़ा सा, एंड आज ट्यूसडे, आज एंड कर रहे हो। सो बहुत अच्छा हमने वक्त बिताया सैटरडे संडे, जो हम लोग जहाँ गए हैं शुयोग फार्म हाउस आई गेस, या सो बहुत अच्छा, बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही सिस्टमेटिक उनका है। यू विल गेट द किचन, मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंने शूट नहीं किए बिकॉज मैं लिटरली मैं बिजी हो गई थी। एक्चुअली मैं इतनी तरह से घुल गई कि मैं सच में भूल गई सब कुछ, मीन्स लाइक मेरा फोन ही मोस्ट ऑफ द टाइम बिजी था, गाना प्ले हो रहा था, देन क्या बोलते हैं सिंगिंग मैं कर रही थी। एक्चुअली कराओ के ऑप्शन था कि नहीं था नहीं मालूम था, बट सैटरडे हम लोग निकल रहे थे तो फ्राइडे रात पे मैंने पंकज को, मतलब रात नहीं इवनिंग को मैंने यू नो फोर्स करके मैंने उस बंदे को कॉल करने के लिए बोली, तो पंकज ने कॉल किया एंड उन्होंने कहा कि हाँ है, लाइक यू नो दे हैव स्पीकर एंड माइक, सो आपको ब्लूटूथ के थ्रू, मीन्स फ़ोन से ब्लूटूथ कनेक्ट करके आप सिंक कर सकते हो। तो उसी में ही बिजी थे। सो वहाँ पे ना किचन सिस्टम भी है, मीन्स इफ़ यू वॉन्ट टू कुक समथिंग आप वहाँ पे कुक कर सकते हैं, बट दे विल चार्ज समथिंग फॉर देयर, वो डिपेंड करता है आप कितना उस जगह को आप यूज़ करते हो, मतलब गैस स्टोव, दे हैव ऑल यूटेंसिल ऑल्सो। सो यू इफ़ यू वॉन्ट टू कुक, आपको फूड वगैरह सब, मतलब यू नो सारे वेजिटेबल सब कुछ लेके जाना है, विद तेल जो भी आपको चाहिए, चाय वहाँ पे अवेलेबल है, वो आपको चाय बना के देंगे। एंड चाय सुबह का, माई गॉड यार मज़ा आ गया था, मैंने तो 2-3 कप पिए चाय, इतना अच्छा बना था। एंड वहाँ का खाना भी बहुत अच्छा था। एक्चुअली हमने सिर्फ फिश ग्रेवी एंड गोन स्टाइल फिश ग्रेवी एंड राइस बोथ द टाइम, डिनर एंड लंच, सुपर टेस्टी, सुपर टेस्ट, मतलब ऐसा जैसे मैं बनाना भी चाहती हूँ, बट आई डोंट थिंक मैं ऐसे यू नो जो रेस्टोरेंट जो ऑथेंटिक यू नो गोन स्टाइल का फूड होता है ना, वो मुझसे बन पाएगा कि नहीं गॉड नोज, बट आई रियली वॉन्ट टू ट्राई समथिंग लाइक दैट। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने मिस कर दिए, पहली बार ऐसे मेरे ब्लॉग में ऐसा हुआ है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंने मिस कर दिए, खाना बोलो या जो भी हमने किए, वी हैव डन बारबेक्यू एंड ऑल ऑल। सो फिश चिकन हम लोग लेके आए थे, पहला दिन सैटरडे पूरा चिकन में था एंड देन संडे फिश एंड चिकन भी था। सो बहुत अच्छा था। एंड द चार्जेस मैं आप लोगों को बता दूँ, चार्जेस इज 800 पर हेड एक्चुअली, सो इंक्लूडिंग नॉट फूड, एक्चुअली फूड के लिए आपको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा, नॉट इंक्लूडिंग फूड, ओनली स्टे, चाय जो है वो आपको फ्री रहेगा। सो जो भी आप ऑर्डर करना चाहें वहाँ पर रेस्टोरेंट है, यू कैन ऑर्डर ऑल्सो, बट बहुत ही रिजनेबल है, बहुत ही रिजनेबल है फूड चार्जेस उनका। सो अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं यू कैन डू, मैं कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर मैं शेयर कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूँगी। सो आप कॉल करके उनसे सारी डिटेल्स मंगवा सकते हैं, एज वेल एज़ आप यू नो पूरा मेनू भी आप उनसे मंगवा सकते हैं, क्योंकि हमने वैसे ही किया था। सो यू हैव टू पे सम एडवांस अमाउंट एज एंड आप जो मतलब जो कोई भी कॉल करेगा अगर वो बुक करते हैं तो उनको अपना एक आईडी प्रूफ उनको देना है, मतलब अगर आप 10 लोग हो उनमें से जो एक इंसान कॉल कर रहा है वही इंसान अगर अपना आईडी कार्ड दे दे तो वो आपका नाम लेकर और आप जितना भी यू नो एडवांस अमाउंट पे कर रहे हो उसके साथ वो बुक कर देगा आपके लिए। आप एक दिन के लिए लो, 2 दिन के लिए लो, रूम्स आप एक्चुअली द थिंग इज रूम वहाँ पे अवेलेबल है, पर हर एक रूम में 5 बेड है, वो भी सिंगल बेड, सो कुछ अलग यू नो आपको बेडरूम नहीं मिलेगा। ओके ऐसा नहीं कि यार यू नो कपल के लिए एक सोलो बेडरूम, नहीं वो नहीं मिल सकता, सोलो बेडरूम बोल रहे हो। सो ये ऐसा है। सो फैमिली फ्रेंड्स के साथ आप बहुत अच्छे से वहाँ एंजॉय कर सकते हैं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि वहाँ पे पार्टीज होते हैं, आप वहाँ पे कुछ भी सेलिब्रेट कर सकते हो उधर। सो
बहुत अच्छा हमारा रहा है। हम लोग टोटल 14 लोग थे एंड बहुत 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 अच्छा हमने वक्त बिताया। एंड द बेस्ट पार्ट क्या हुआ था उसमें कि मेरा नींद का ये बहुत अच्छे से मेकअप हो गया, क्योंकि अभी मैं इजीली रात को अगर मैं लेट भी सोई तो मैं इजीली जल्दी उठ सकती हूँ सुबह। सो आज मैं सुबह 8:30 बजे उठी हूँ। सो चलिए गाइस, ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। 5 मिनट से बकबक की हूँ। सो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। 5 मिनट बाद नहीं, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। सो अपना ख्याल रखिए। अभी टाइम हो गया, मैं जा रही हूँ किचन में, मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है। सो बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। प्लीज़ मुझे मत मारो, मतलब बॉल मत फेंको। बाय बाय।